हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, ये वीडियो विद्युत जयमवाल सर की ड्राइंग का पार्ट टू है। एंड गाइज, इससे पहले हमने पार्ट वन में फ्री हैंड मेथड का यूज करके कंप्लीट आउटलाइन को ड्रॉ करके दिखाया था। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख लेना। तो गाइज, इस वीडियो में हम कंप्लीट पार्ट में सेटिंग करके दिखाने वाले हैं। तो चलो गाइज, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, आउटलाइन में सेटिंग करने से पहले जो मैंने पार्ट वन में आउटलाइन को ड्रॉ करके दिखाया था तो वो थोड़ी ज्यादा डार्क है, तो मैं पहले उसे सिंपली नीडेड इरेजर का यूज करके हल्की हल्की सी इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, मैं कंप्लीट फेस में सेट करने के लिए रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके सेट कर रहा हूँ। एंड गाइज, रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे थोड़े ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, जैसे कि आई, आईब्रो, नोज एंड लिप्स में, मैं थोड़ा प्रेशर देके सेट कर रहा हूँ। एंड गाइज, रेफरेंस फोटो में जहां पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज है, मैं उन हाईलाइट एरिया को छोड़कर बाकी सभी एरियाज में बिल्कुल हल्के हाथों से एकदम स्लोली स्लोली शेड कर रहा हूं। एंड गाइज, आप लोगों को भी फर्स्ट लेयर में इसी तरीके से पहले रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके उसके बाद किसी लाइट पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल या एचबी ग्रेड की पेंसिल से एकदम स्लोली स्लोली शेड करना है। गाइज, मैंने मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके कंप्लीट पार्ट में सेट कर लिया है। इसके बाद गाइज, मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट पार्ट में हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद गाइज, अब मैं सेकेंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके सिंपली आर्ट लाइन की 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सेट कर रहा हूँ। एंड गाइज, 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके मैं पहले की तरह ही सेट कर रहा हूँ। जहां पर भी मैंने HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके थोड़ा प्रेशर देके सेट किया था, अब मैं सिंपली वहां पर 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सेट कर ले रहा हूँ। तो गाइज, मैंने 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट सेड कर लिया है। इसके बाद गाइज, मैं सिंपली इसे मेकअप ब्रश का यूज करके पहले की तरह ही ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद गाइज, अब रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, अब मैं सिंपली वहां पर आर्ट लाइन की 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सेड कर रहा हूँ। गाइज, मैंने 6B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट पार्ट में सेट कर लिया है। इसके बाद गाइज, मैं इसे सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके पहले की तरह ही ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद गाइज, अब रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं, अब मैं सिंपली वहां पर नीडेड इरेजर एंड टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर ले रहा हूँ। तो गाइज, इसके बाद हेयर को ड्रॉ करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके रेफरेंस फोटो के हेयर के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली सेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, अगर आप लोगों के पास कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप आर्ट लाइन की 8B एंड 10B पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। गाइज, मैंने कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके कंप्लीट हेयर में सेट कर लिया है। इसके बाद गाइज, अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट हेयर में ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड गाइज, इसके बाद हेयर में जो भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज हैं, अब मैं सिंपली वहां पर टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर ले रहा हूँ।